दोस्तों आज किस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी के लिए जीके जीएस के 39 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आज किस वीडियो में आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, 39 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। प्लीज आप लोग दोस्तों बताते नहीं है क्योंकि मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बोला था, ठीक ना। तो प्लीज इस बार जरूर आप लोग बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट जो है ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये दोस्तों जम्मू द्वीप का अंग था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? तो इंडिया दोस्तों यूनानियों ने कहा था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान किसने कहा था, तो ये ईरानियों ने कहा था। थर्ड क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की जो है मानक मध्यान रेखा है? देखिए इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों भारत का जो है मानक समय रेखा कहलाता है, क्योंकि यही निर्धारित करता है भारत में समय का। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IST के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये दोस्तों भारत के किस स्थान से गुजरता है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन, नैनी स्थान से गुजरता है, ठीक ना। और ये 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय, वही भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित? इलाहाबाद के समीप नैनी में, ठीक है, ये स्थान का नाम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का, आपको बताया था ना ये मैंने ऑलरेडी, GMT और IST में क्या अंतर होता है। और देखिए सेवंथ में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दोस्तों 876 किलोमीटर है। चलिए एट क्वेश्चन में करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया है, ठीक है ना, तो 15,200 किलोमीटर आपको बताना है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? अब द्वीपों सहित अगर आपसे पूछा जाए तो 7,516.5 किलोमीटर, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण, देखिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा लंबाई है, जबकि पश्चिम से अगर पूर्व बोला जाए तो कम होगा लंबाई, ठीक ना। तो देखिए 29-33, देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों 29-33, इस तरीके से याद कर लेना है किलोमीटर, ठीक ना, 29-33 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए ओनली तट रेखा की लंबाई तो 6,100 किलोमीटर, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि द्वीपों से ही तट रेखा मतलब कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है, तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि द्वीप का जो तट रेखा वो भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है दोस्तों 2.4%, ये तो आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2132 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये दोस्तों 27.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43%, ठीक है ना। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो ये दोस्तों 12 समुद्री मील, ठीक है ना, क्योंकि समुद्री मील में ज़्यादा मतलब ये मीटर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो ये दोस्तों 24 मील तक,
चलिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो ये दोस्तों 200 मील तक की दूरी तक है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? तो ये है दोस्तों गुजरात, मतलब गुजरात राज्य की जो बाउंड्री है ना, ये कह सकते हैं ज़्यादातर जो है तट रेखा, मतलब कि समुद्र से लगा हुआ है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, बाकी इन सभी राज्यों से गुजरती है, ठीक ना। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है ना, ये भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओडिशा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड से, बाकी इन तीनों से नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक दोस्तों केप कैमोरियन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है या दक्षिणी नोक कन्याकुमारी कहलाती है, और इससे दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, केप कैमोरियन, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट। अगर सबसे दक्षिणतम बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट बताना है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी नोक तो आपको वहां पर केप कैमोरियन बोल सकते हैं या कन्याकुमारी, ठीक ना। और देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो है ना सबसे दक्षिणतम बिंदु के स्थान पर, जैसे ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं देगा, इनमें से कोई एक दे देगा, तो इन तीनों नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी जो हमने किया है, देखिए 5 राज्य कौन कौन से राज्यों से जो है भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ये भी यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, देखिए सबसे दूरस्थ मतलब वही सबसे दक्षिणतम स्थल पूछा गया है, तो इंदिरा पॉइंट, और इसको और कई नामों से जाना जाता है, ठीक ना, जैसे पार्सन और पिग्मेलियन पॉइंट, इन तीनों नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, देखिए इंदिरा पॉइंट के दोस्तों कई और भी नाम है, देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और ला ही चिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। देखिए जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये डीपली पढ़िए। देखिए बताया तो गया है कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये 10th लेवल के पूछे जाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांस पूछे जाएंगे, क्योंकि जो बोला जाता है ना वो होता नहीं है, ऐसा सब करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों इस बार लगभग 20 से 30 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया जाएगा कंपटीशन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो देखिए उत्तरी भाग ये दोस्तों कहाँ होगा? तो ये उत्तरी भाग दोस्तों लद्दाख या जम्मू कश्मीर में होगा, तो वहाँ पर इंदिरा कॉल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, ठीक ना, सबसे दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक ना। चलिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये दोस्तों पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ठीक ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। डक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, इनके बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप एक द्वीप है, ये दोस्तों गुजरात के तट पर है, ठीक ना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि के नाम से हम